फाउंडर आचार्य उनके द्वारा पूरे विश्व में रथ यात्रा निकल रही है। जगन्नाथ का पहचान, जगन्नाथ का दर्शन सब लोगों को करवाया जाता है। ये सूरत में 25वीं रथ यात्रा है, 1994 से शुरू किया था और रूप भी मैंने बताया स्टेशन से 3 बजे शुरू होकर के दिल्ली गेट, टेक्सटाइल मार्केट, उल्टा दरवाजा, मजूरा गेट, अथवा गेट, सब टावर, जहांगीरपुरा से हटे मंदिर में विसर्जन होगा। रात को 8 बजे जाएंगे, सबके लिए प्रसाद रखा गया है। पूरे रथ यात्रा दौरान हम लोग 5000 किलो बूंदी और लापसी का प्रसाद बांटा जाएगा, हलवा का प्रसाद बांटा जाएगा और विशेष करके पुलिस कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर, मेयर जो भी आएंगे उसको भगवान जगन्नाथ का आरती का लाभ दे देंगे, आरती करेंगे, रथ का प्रस्थान कराएंगे। और इस बार हमने बहुत अलग अलग प्रकार की झांकियाँ बनाई है भगवान की लीला की, 12 झांकियाँ बनाई है, लगभग 1 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा होगी। 12 झांकियों 12 गड्ढे के साथ है, पूरे रास्ते में कितने गड्ढे गड्ढे, यहाँ लगभग 9 बजे तक आ जाएंगे और यहाँ सब 15,000 लोगों का प्रसाद बनाया गया है, जितने भी लोग आएंगे वो सब प्रसाद खा भी जाएंगे। और धीरे थोड़े का विशेष आशीर्वाद प्रभुपाद जी का है, प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी के पास से हम लोग लड़ रहे हैं तो पूरे विश्व में उन्होंने जगन्नाथ जी का दर्शन करवाया। जो लोग मंदिर में दर्शन करने नहीं आते हैं उन लोगों को भगवान स्वयं रथ के आरूप करके दर्शन देने नगर में घूमते हैं, ये उनका विशेष महत्व है। जगन्नाथ जी इतने गोपाल हुए लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, पूरे विश्व का जगन्नाथ भगवान, ऐसा कोई धर्म जाति भेदभाव नहीं है, हिंदी मुस्लिम सिख क्रिश्चियन कोई भी हो सब लोग जगन्नाथ का पहचान जानते हैं। जगन्नाथ भगवान लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इसका पूरा प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में कोने कोने प्रचार करवाया है और प्रत्येक इस्कॉन केंद्र में ये रथ यात्रा निकल रही है प्रभुपाद जी का आशीर्वाद से और जगन्नाथ जी का दर्शन का लाभ ले रहे हैं। शास्त्र में लिखा गया है जो रथ पे आरूढ़ भगवान का जगन्नाथ का दर्शन करते हैं उनका सभी पापों का क्षय हो जाता है और जो रथ का रस्सी खींचता है उसको उच्च लोक में वास मिलता है। इतना महत्व तो जगन्नाथ यात्रा का बताया गया है शास्त्र में। अरे जगन्नाथ का दर्शन भी बहुत लंबी कहानी कथा है, नाथ जी के पास से हम लोग मिल रहे हैं और ये नाथ जी ने कहा था भगवान से कि ऐसा ही रूप पूरा विश्व में दर्शन करवाइए, इसलिए भगवान स्वयं उनकी इच्छा के द्वारा रथ पर आयु हो करके पूरे नगर में घूमते हैं और जो भी लोग दर्शन करते हैं उनका पाप का क्षय होता है, उनका दुख क्षय हो जाता है, सब दुख मिट जाता है और भगवान का जगन्नाथ का कृपा पाप करके उच्च लोक में वास मिलता है। ये रथ यात्रा का मुख्य हेतु है। और आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ होता है प्रत्येक संदेह हो नहीं, हम लोग प्रचार बोर्ड लगाए हैं मंदिर में, इसको फूड फॉर लाइफ का बोर्ड लगाया है। वो क्या होता है हम लोग प्रत्येक अलग अलग स्कूलों में या कोई बेगर्स होता है वहाँ खिचड़ी प्रसाद वितरण करते हैं, जो भी भूखे होते हैं उन लोगों को प्रचुर मात्रा में खिचड़ी प्रसाद वितरण किया जाता है। और यहाँ रही हुआ प्रत्येक संदेह को सुबह से शाम तक प्रसाद मिलता है, यहाँ जो भी लोग आते हैं करीबन 10,000 लोग यहाँ प्रसाद खाते हैं हर संदेह। पुस्तक वितरण भी करते हैं, प्रत्येक दरवाजे में टॉक करके पुस्तक वितरण करते हैं, टेक्सटाइल मार्केट में करते हैं और हम लोग गायों का पालन करते हैं, गौशाला प्रत्येक किसान मंडी में गौशाला होती है। स्वर्गीय विद्यार्थी की हमारे आध्यात्मिक गरीबों को हमने ज्यादा किसके प्रसाद किया।